नासिक से अक्षय जी का इस समय वो प्रश्न है, आपका स्वागत है। आप मेंशन कर रहे हैं होम लोन को आप प्रीपे करना चाह रहे हैं, हम इससे सेंटर कभी बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन आपने मेंशन किया है ये आप पीएफ मनी से इसको आप करना चाह रहे हैं, ये आप ईपीएफ की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी बिल्कुल। तो पर ईपीएफ मनी से आप करना चाह रहे हैं, इसमें रुकना साहब ये तो एक तरीके से रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस रहता है जिसको आप उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें, पर अगर ये सोच रहे हैं तो फिर कैसे आप इनको राय देंगे? सो अक्षय जी आप अपने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं? मैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करने की बात कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में तो ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप होम लोन उसमें जो विड्रॉल्स अलाउड है वो बहुत ही स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अलाउड है, और होम लोन रीपेमेंट करना ये एक उसमें कोई वैलिड पर्पस नहीं है, तो आप इसके लिए विड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। पहली बात, रूल्स के मुताबिक आपको वो विड्रॉल मिलेगा ही नहीं अनलेस कि आप रिटायर हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपका एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है वो आपके रिटायरमेंट के लिए है और उसको उसी के लिए रखना चाहिए, तो उसको विड्रॉ करके होम लोन प्रीपेमेंट करना मेरे ख्याल से कोई अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न है, मुझे कोई बहुत उसमें समझदारी की बात नहीं लग रही। अगर आप देखें आप 11.5 दे रहे हैं उस पर आपको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, आपकी सालाना आय आपने लिखी है 7 लाख रुपए हैं, तो टैक्स ब्रेक्स के बाद रफली इसका कॉस्ट आपको 8.5-9% मिल रहा है जी। जो आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको अपने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड पर भी उतना ही करीबन मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको डिस्टर्ब करना कोई बहुत फिलहाल में कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं दिख रही है, इवन इफ इट इज़ अलाउड। पहली बात जैसे मैंने कहा शायद अलाउड ही ना हो। एब्सोल्युटली उसमें क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जिस तरह से क्लॉजेस रहते हैं जिन के तहत ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और अदरवाइज जैसे रिटायरमेंट के लिए है तो उसी तरफ आप ध्यान केंद्रित करें बेटर रहेगा।